दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी बनकर छा चुके अक्षय कुमार अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनकर छाने के लिए तैयार है। इसका एक नमूना इस फिल्म के ट्रेलर में भी देखा गया है। जब पृथ्वीराज का ट्रेलर बनाया गया तो यह बहुत ही जल्द ट्रेंडिंग में आ गया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इस मूवी में अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर अहम भूमिका में है, लेकिन वहीं कुछ फिल्मी गुरु सवाल उठा रहे हैं कि अक्षय कुमार कॉमेडी एक्शन या फिर ड्रामा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और पृथ्वीराज में उनका रोल उनके सभी फिल्मों से अलग है। मतलब साफ है कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए हटकर काम किया है। वहीं इस फिल्म की शूटिंग भी अक्षय कुमार ने सिर्फ 42 दिनों में ही पूरी कर ली, जो कि किसी बड़ी मूवी बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम है। और अब ये देखना होगा कि क्या अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के करेक्टर को बखूबी निभा पाए हैं, क्या यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।